तो ग्लोबल वार्मिंग से छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को जागरूक कराने जल्द क्लाइमेट स्टूडियो बनाया जाएगा। अलग अलग मॉडल और एनिमेशन के जरिए स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को इसका असर समझेंगे ही। आम आदमी भी समझ सकेंगे कि सिर्फ एक डिग्री तापमान बढ़ जाए तो खेती, बीमारी, बारिश से जुड़ी दर्जनों चुनौतियां कैसी खड़ी हो जाती है। वन विभाग रायपुर के जंगल सफारी में क्लाइमेट स्टूडियो स्थापित करने जा रहा है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस है और इसी दिन इसकी घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से अपने क्लाइमेट साइंटिस्ट को केरल और मेघालय भेजा गया था। वहां टीम ने क्लाइमेट स्टूडियो का अध्ययन किया है। अब छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुसार क्लाइमेट स्टूडियो डिजाइन किया जा रहा है। क्लाइमेट लर्निंग लैब की बात करते हैं तो एक वो ऐसी जगह होती है, ओपन में भी हो सकती है, क्लोज में भी हो सकती है, जहाँ पे इस तरीके के मॉड्यूल्स, इस तरीके के लाइव मॉडल्स रहते हैं जिसमें कि क्लाइमेट के जो दुष्प्रभाव हैं, क्लाइमेट के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में समझा जा सके। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बाकी लोग भी आ सकते हैं, तो एक बहुत लाइव मॉडलिंग रहती है वहाँ पर। राज्य सरकार के द्वारा इस बार प्रथम अनुपूरक बजट में क्लाइमेट स्टूडियो की स्थापना के लिए कुछ बजट दिया गया है। हमारी प्लानिंग जब पूरी हो जाएगी तो उसका एग्जीक्यूशन चालू होगा।